तो पता नहीं लॉकडाउन लगा है और बिना मास्क से तो घूम रहे हैं, पता नहीं। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा। बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजेगा। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान में आज से 15 दिनों तक रेड अलर्ट का कर्फ्यू लागू किया गया है। बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं। बिना खास वजह से बाजार में घूम रहे युवकों को पुलिस पकड़कर वाहनों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। नहीं मान रहे एक युवक को पुलिस ने उठाकर वाहन में डाल दिया है। नियम के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर पर कोरोना जांच होगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इन्हें छोड़ा जाएगा। यानी कि इस रेड अलर्ट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की अब खैर नहीं है। इन्हें पकड़ा जाएगा और संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में इनकी पहले कोरोना टेस्ट जांच की जाएगी और नेगेटिव आने पर ही इन्हें छोड़ा जाएगा। पता नहीं लॉकडाउन लगा है और बिना मास्क से तुम घूम रहे हो, पता नहीं तो पता नहीं है। वैसे ही बहुत शिकायत आ रही है। तू खेलता एम्बुलेंस वाले आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल को क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे, अब बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा।